हफ्ते का मुख्य मंच पर। परंपरा को निभाते हुए सलामी दी गई माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और अब परेड कमांडर परेड निरीक्षण के लिए निवेदन करने हेतु आगे बढ़ रही हैं। परेड कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी दो खुशबू कुमारी। परेड निरीक्षण के लिए निवेदन स्वीकार किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, साथ में आदरणीय डीजीपी महोदय परेड निरीक्षण के लिए निरीक्षण वाहन पर सवार हो रहे हैं। निरीक्षण वाहन के साथ परेड निरीक्षण के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, पारण परेड का निरीक्षण किया जाएगा, साथ में हमारे डीजीपी महोदय और परेड समादेशक प्रशिक्षु महिला आरक्षी दो खुशबू कुमारी। राज्य और राष्ट्र सेवा में समर्पित ये 764 नव नियुक्त प्रशिक्षुओं का गहन प्रशिक्षण कार्य संपन्न होने जा रहा है। सुसज्जित निरीक्षण वाहन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सबका हौसला बुलंद करने के लिए, सबके जोश को दोगुना करने के लिए, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, सबकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हमारे ये जवान तैयार आईआरबी 1, 2, 3, 4 और 5 के 764 प्रशिक्षु आरक्षी, जिनमें 260 महिला प्रशिक्षु आरक्षी और 504 पुरुष प्रशिक्षु आरक्षी शामिल हैं। और ये निरीक्षण वाहन कंपनी की तरफ कंपनी 1 के कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 544 विक्रम कुमार आईआरबी 5 गुमला, कंपनी 2 के कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 134 हिना कुमारी आईआरबी 1 जामताड़ा, कंपनी 3 के कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 464 दुखिया टुडू आईआरबी 4 लातेहार, और ये कंपनी 4 के कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 502 ज्योति कुमारी आईआरबी 4 लातेहार, और ये ग्राउंड के बीचों बीच जैप्टेन महिला बटालियन का बैंड, जिसकी कमान संभाली हुई है महिला हवलदार अमिया कुजूर, और ये कंपनी 5 के कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 173 प्रतिरानी तिरकी आईआरबी 1 जामताड़ा, कंपनी 6 के कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 406 राजनंदिनी आईआरबी 1 जामताड़ा, कंपनी 7 के कमांडर हैं प्रशिक्षु आरक्षी 79 प्रविंद यादव आईआरबी 2 मुसाबनी, और ये 8वीं कंपनी के कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 89 सुबोध कुमार आईआरबी 1 जामताड़ा। और इस पूरे परेड के कमान आज संभाला है प्रथम समादेशक
महिला आरक्षी दो खुशबू कुमारी आईआरबी 3 चतरा और सेकंड इन कमांड हैं आरक्षी 232 गंगा गाड़ी आईआरबी 1 जामताड़ा। परेड निरीक्षण के बाद सभी का हौसला बुलंद करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुनः वापस मुख्य मंच की ओर सभी का अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार दिवस के मौके पर। ये कहते हुए कि मुश्किलें जरूर होती हैं लेकिन कभी ठहरना नहीं है हमें, मंजिल को पाना है इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते जाना है। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन के साथ पूरी परेड के निरीक्षण के पश्चात वापस मुख्य मंच की ओर जोश और वीरता कभी कम नहीं होने देंगे। ऐसे ही जज्बे के साथ हमारे ये सभी प्रशिक्षु पूरे अनुशासन के साथ यहां तैनात अपने अपने पोजीशन पर। ये कहते हुए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनकार बोलते हैं। ऐसे ही जज्बे के साथ ऐसे ही हौसले के साथ सभी प्रशिक्षुओं का जोश दोगुना किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और अब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वापस मुख्य मंच पर हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं। मुख्य मंच पर पुनः बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम पुनः बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज का ये दिन शपथ लेने का कि हम तूफान में गम के भी हंस के दिखा देंगे, वो शमा है जो पानी में भी जल कर दिखा देंगे। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने हेतु मैं सादर निवेदन करती हूं आदरणीय पुलिस अधीक्षक CTC स्वासपुर मुसाबनी श्री संजय रंजन सिंह सर से।
राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजवाहक हैं। हवलदार 642 प्रभाष निवार। इस सीटीसी स्वास्थ्यपुर मुशाबनी के निशान वाहक हैं हवलदार 642 सुरेश राय। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां की अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। पूरे विश्वास के साथ, जीत के हौसले के साथ, कदम से कदम मिलाते हुए, अनुशासनबद्ध होकर कदम ताल करते हुए, ये सभी 8 कंपनियों के प्रशिक्षु आरक्षी। झंडे को छूकर सभी कंपनियों के प्रशिक्षु कदम से कदम मिलाते हुए, बाजुओं को उठाते हुए, पूरे जोश और जुनून के साथ बारी बारी से राष्ट्रीय ध्वज और यूनिट ध्वज को छूते हुए ध्वज के नीचे से गुजर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ कि हमें जो उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है उसे हम ईमानदारी से निभाएंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, पूरे समर्पण भाव के साथ जन जन की सेवा करेंगे, अपने राज्य और देश की सेवा करेंगे। इस बुनियादी प्रशिक्षण के बाद मानसिक, शारीरिक, वैचारिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से तैयार हैं हमारे ये प्रशिक्षु आरक्षी। संपूर्ण समर्पण भाव, गर्व, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से लबरेज होकर इस पारण परेड समारोह में बहुत ही अनुशासित ढंग से हिस्सा ले रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन अपनाते हुए अपने अपने पोजीशन पर धीरे धीरे सभी ये 8 कंपनी और ये मधुर धुन जैप्टन महिला बटालियन की, सभी प्रशिक्षु पुनः निरीक्षण लाइन पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। मातृभूमि हमारी अपनी है, थकना शब्द नहीं है हमारे शब्दकोश में। हम योद्धा कहलाते हैं क्योंकि योद्धा हैं हम इस धरती के। कभी न रुकेंगे, कभी न थकेंगे, बस आगे बढ़ते रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करते रहेंगे। ऐसे ही संकल्प के साथ अब शपथ ग्रहण बस कुछ ही क्षणों में।
लक्ष्य को पाने की चिंगारी अपने सीने में लिए हुए। और अब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कराने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पुलिस अधीक्षक सीटीसी स्वासपुर मुसाबनी श्री संजय रंजन सिंह सर को। मैं आचार नियमावली में पुलिस कर्मियों का जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व है वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूँगा। मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी परिश्रम हर्ष और नम्रता के साथ करूंगा। स्कॉट में
आरक्षी 1140 प्रेम बहादुर क्षेत्री, आरक्षी 1649 वीरेंद्र कुमार, आरक्षी 1198 सुरेश बहादुर अधिकारी और आरक्षी 1583 पूर्ण प्रसाद। सभी खड़े हो जाएंगे। और ये मार्च फास्ट प्रारंभ, 8 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। हम भी जोरदार तालों के साथ इनके हौसले को बुलंद करें। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है, युग युग के मुरझे सुमनों को नए नए मुस्कान भरो। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, नए निर्माण के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये मार्च पास्ट कर रही हैं 8 कंपनी। प्रथम समादेशक के रूप में महिला आरक्षी 2 खुशबू कुमारी, आईआरबी 3 चित्रा और सेकंड इन कमांड हैं आरक्षी 232 गंगा गाड़ी, आईआरबी 1 जामताड़ा। बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ते हुए तालियां आपकी तरफ से लगातार हो। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है और मंजिल को पाने के जज्बे के साथ, सफलता के सपनों के साथ, जीत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं सभी कंपनी। सबसे आगे आगे फर्स्ट इन कमांड महिला आरक्षी 2 खुशबू कुमारी, आईआरबी 3 चित्रा। तालियां भी हो आपकी ओर से। मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई सलामी देते हुए, अभिवादन करते हुए,
सेकेंड इन कमांड आरक्षी 232 गंगा गाड़ी आईआरबी एक जामताड़ा। मंच के ठीक सामने से कंपनी एक कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 544 विक्रम कुमार आईआरबी 5 गुमला। तालियां होती रहें, इनके जोश को दोगुना करते रहें। मंच के ठीक सामने से सलामी देते हुए कंपनी दो कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 134 हिना कुमारी आईआरबी 1 जामताड़ा। तालियों के साथ हौसला अफजाई करते रहें। मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए कंपनी तीन कमांडर प्रशिक्षु आरक्षी 464 दुखिया टुडो आईआरबी 4 लातेहार। मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई कंपनी चार कमांडर हैं प्रशिक्षु महिला आरक्षी 502 ज्योति कुमारी आईआरबी 4 लातेहार। और ये ठीक मुख्य मंच के सामने से गुजरती हुई कंपनी पांच नेतृत्व कर रही हैं प्रशिक्षु महिला आरक्षी 173 प्रति रानी तिरकी आईआरबी 1 जामताड़ा। और इस समय मुख्य मंच के सामने से गुजर रही है कंपनी छह कमांडर हैं प्रशिक्षु महिला आरक्षी 406 राजनंदनी आईआरबी 1 जामताड़ा। और मंच के सामने से कंपनी सात कमांडर हैं प्रशिक्षु आरक्षी 79 प्रविंद यादव आईआरबी 2 मुसाबनी। तालियां होती रहें। ये आप देख रहे हैं मुख्य मंच के सामने से कंपनी आठ नेतृत्व कर रही हैं प्रशिक्षु आरक्षी 89 सुबोध कुमार आईआरबी 1 जामताड़ा। और ये जो मधुर धुन कानों पर पड़ रही है, जिसकी धुन पर ये मार्च पास्ट संपन्न हो रहा है, जैप्टन महिला बटालियन की बैंड कमांडर महिला हवलदार अमिया कुजूर। तालियां होती रहें। धूप छाओ सब सह जाती, जीवन पथ दुर्गम कह जाती, अरमान न बाकी रह जाती, जब सिजती है तन पर खाकी। और इसे अपने तन पर सजाकर अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार हैं हमारे ये जवान। दिल में बुलंद हौसलों के साथ हर तरह के तूफानों से टकराने के लिए तैयार, आसमान की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार, ये कहते हुए कि वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। राज्य और देश की सेवा के लिए तत्पर, अपने दायित्वों को निभाने के लिए तत्पर, पूरे तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर राज्य और राष्ट्र सेवा में समर्पित इन 764 नव नियुक्त प्रशिक्षकों का गहन प्रशिक्षण कार्य पुलिस अधीक्षक सीटीसी स्वास्थ्यपुर मुसाबनी श्री संजय रंजन सिंह के कुशल एवं प्रेरणादायी नेतृत्व और उत्कृष्ट मार्गदर्शन में प्रशिक्षण संस्थान के अंत और बाह्य विषयों के कर्मठ दक्ष और योग्य अनुदेशकों द्वारा पूर्ण कराया गया है, वो भी मात्र 20 दिनों में।
जोरदार तालियां हूं। हौसले बुलंद रहें, भुजाओं में बल रहे, दुर्गम पथ पर निर्विघ्न हम बढ़ते रहें, यही संकल्प। मेहनत, लगन और हिम्मत से अपनी हर मुश्किल से पार पाना है, सितारों की जमी बनानी है एक दिन, हमारे ख्वाबों का बहुत बड़ा आशियाना है। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे, और इन्हीं तालियों के बीच आप सभी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची महोदय को। इस पारण समारोह एवं पारण परेड के मुख्य अतिथि झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, विशिष्ट अतिथि प्रधान सचिव गृह विभाग श्री राजीव अरुण एक्का जी, डीजी ट्रेनिंग श्री अनुराग गुप्ता जी, एडीजी जैप क्षमा करें वो नहीं आ पाए, आईजी ट्रेनिंग श्रीमती प्रिया दुबे जी, आईजी अभियान श्री अमोल होमकर जी, समारोह में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित पुलिसकर्मी और पारण परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मीगण, आप सभी को जोहार। सबसे पहले मैं उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्दों में, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। महाशय,
आज इस पारण परेड में 764 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों ने वर्षों के कठिन प्रशिक्षण उपरांत अनुशासन, योग्य पुलिसकर्मी होने और आदेशों का पालन करने का शपथ ग्रहण किया। और साथ ही मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप पुलिस एक्ट के तहत नियुक्त हुए हैं और जिसमें यह सन्निहित है कि आप भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेंगे और देश की अक्षुण्णता और अखंडता को बनाए रखेंगे। महाशय, इस प्रशिक्षण के दौरान जो पुलिसकर्मी शामिल रहे उनमें 260 महिला पुलिसकर्मी हैं जो हमारे देश में और पुलिस बल में हो रहे महिला सशक्तिकरण का द्योतक है। इनके अलावा ब्लॉक तैयार है जिसकी तस्वीरें श्रीमान ने देखी, और अभी हम अगर श्रीमान समय देंगे तो हम लोग कैंपस का भ्रमण कराएंगे। उसके अलावा 8 डीएसपी पंक्ति के पदाधिकारियों के आवास तैयार हैं, यूएस अपर सबॉर्डिनेट के 48 फ्लैट और लोअर सबॉर्डिनेट के भी 48 फ्लैट तैयार हैं, साथ ही क्लास 4 के 112 फ्लैट तैयार हो गए हैं। इसके अलावा 2 गेस्ट हाउस बने हैं जिनमें कुल 16 कमरे हैं। प्रशासनिक भवन के ठीक सामने 800 दर्शकों की क्षमता वाला प्रेक्षागृह भी करीब करीब तैयार है जो 2 से 3 महीनों में उपयोग में आने लगेगा। उसके अलावा एक मोटर वाहन ब्लॉक तैयार है, फुटबॉल स्टेडियम का कार्य जिसमें हम लोग श्रीमान का हेलीकॉप्टर लैंड किया, वो भी स्टेडियम का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। एक डिस्पेंसरी बन गया है और कुल 8 छात्रावास बन चुके हैं
जिनमें 2000 से अधिक प्रशिक्षु रह पाएंगे। अभी इस कैंपस को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो स्वीकृत हैं परंतु बजटीय बंद नहीं होने के कारण नहीं हो पाए हैं, शीघ्र ही हो जाएंगे, वो है इंडोर फायरिंग रेंज और जो नॉर्मल लॉन्ग रेंज है वह, एक सेरेमोनियल परेड ग्राउंड, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक बास्केटबॉल कोर्ट और बिजली का सबस्टेशन। श्रीमान, अब मैं जो प्रशिक्षु हैं उनको यह बताना चाहूँगा कि आज आप सभी के सामने और पुलिस के सामने तीन प्रकार की मुख्य चुनौतियां हैं। पहली, नॉर्मल पुलिसिंग की, जो अपराध नियंत्रण से संबंधित है। यह पुलिस का बेसिक कार्य है और इसमें आपको दक्ष और निपुण होना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती जो आज सामने आ रही है वह है साइबर क्राइम की। अपराध का रूप बदल रहा है और जो वैल्यू इन्वॉल्व्ड है क्राइम का, वो साइबर क्राइम में ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए इनको, इन प्रशिक्षुओं को साइबर क्राइम का भी प्रशिक्षण दिया गया। और यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें तकनीक बड़ी तेज़ी से बदलती है। मूर्स लॉ है कि हर 2 साल पे कोई भी ऐसा उपकरण जिसमें एक चिप हो, उसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी, यानी 2 साल में उपकरण ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदलती है तो अपराध का स्वरूप भी बदलता है। और अगर अपराधी टेक्नोलॉजी में आपसे आगे रहेगा तो आप उसके साथ पेस नहीं रख पाएंगे, आप पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बेसिक प्रशिक्षण के उपरांत एक NGO है जो बहुत अच्छा काम करता रहा है इस फील्ड में, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी, इन सभी फील्ड में छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रशिक्षण हमारे पुलिस कर्मियों को कराएगा। कुछ प्रशिक्षण अभी प्रारंभ हुआ है, यह एक शुरुआत है। और हम लोग यह भी करने जा रहे हैं कि जो प्रशिक्षण आपको मिलेंगे उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिले, जिससे कि आपके पास रहे कि आपने प्रशिक्षण किया, भविष्य में भी आप कहीं जाएं तो उस प्रशिक्षण का आप उपयोग कर पाएंगे और एक सर्टिफिकेशन होगा। तो अभी जो NGO है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से डिप्लोमा दिलवाते हैं या सर्टिफिकेट दिलवाते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है उससे हम अपने पुलिस कर्मियों के सतत प्रशिक्षण के सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चलाएं। आप सभी ने बहुत मेहनत की, बीच में कुछ वर्षों तक कोविड के कारण आपके प्रशिक्षण में व्यवधान रहा, थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आज आप प्रभावी पुलिस बल में शामिल हैं। हम सभी की शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, आशीर्वाद आपके साथ हैं। सच्चे दिल से काम कीजिए, ईश्वर आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। स्वागत संबोधन और शुभकामनाओं के लिए, महत्वपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय गृह सचिव महोदय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची, श्री राजीव अरुण एक्का सर को आपके संबोधन के लिए। कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर मुसाबनी के इस पारण परेड समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, इस परेड में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षु, उनके सभी परिवार जो यहाँ दूर से आए हुए हैं, दूर दराज से राज्य से आए हुए हैं, राज्य के हमारे मीडिया बंधु, आसपास इलाके के और अतिथिगण जो आज इस समारोह को देखने आए हैं, आप सभी को जोहार। इस भव्य ट्रेनिंग सेंटर को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि
जो सभी प्रशिक्षु गण ने यहाँ पर मेहनत से अपना प्रशिक्षण पूरा किया है, आपको इस अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में सभी तरह की सुविधाओं से लैस एक अच्छा ट्रेनिंग का अवसर आप सभी को राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया, जिसका आपने जरूर भरपूर पूरा फायदा लिया होगा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ में डीजीपी श्री नीरज सिन्हा जी, सभी अन्य वरिष्ठ पुलिस के पदाधिकारीगण, ट्रेनिंग सेंटर के पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के पुलिस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने भी आप सभी प्रशिक्षुओं को जो ट्रेनिंग के दौरान जो भागीदारी रही होगी, जिससे आपको लाभ मिला होगा, और जैसा कि पुलिस महानिदेशक ने अभी अपने वक्तव्य में कहा, आप सभी पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्य करने के लिए राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हैं। ईमानदारी से और पूरे लगन के साथ में काम करने का जो आपने शपथ लिया है, संविधान का शपथ लिया है, राज्य के हित में और मानवता के हित में कार्य करने का जो आप लोगों ने अभी शपथ लिया है, इस सब के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे अपने नौकरी में अभी कदम रख रहे हैं, आगे आने वाले समय में इन बातों को आप याद रखेंगे, झारखंड राज्य की जनता के लिए, लोगों के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर, निर्भीक और अमन चैन कायम रखने के लिए मेहनत से, अपने तन से और अपने मन से अपने को आपके जो स्किल्स हैं उसमें निरंतर बढ़ोतरी करते हुए इस नौकरी में बेहतर योगदान देंगे। मैं इस बात का भी आपसे आह्वान करता हूं कि किसी भी राज्य में जो कमजोर और गरीब और जो संख्या बल में कम हैं वैसे लोगों के लिए, उनके लिए आप एक ढाल की तरह आपको काम करना है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को आपके उपस्थिति से उनको बल मिलना चाहिए, ना कि उनको कोई घबराहट होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए मैं समझता हूँ, जैसा महानिदेशक महोदय ने कहा है, आदेश को पालन करने का जो आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अपने वरीय पदाधिकारियों का सही आदेश का पूरे तन मन से पालन करते हुए न्याय के लिए, सच्चाई के लिए और लोगों की रक्षा के लिए आपने जो प्रशिक्षण यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर में प्राप्त किया है, इसका उपयोग करेंगे, तभी मैं समझूंगा कि इस प्रशिक्षण से आपने जो कदम रखा है नौकरी के इस नए जीवन में, वह सही मायने में सफल होगा। मैं पुनः आप सभी को आज
इस अपने जिंदगी के पहले कदम, नौकरी के पहले कदम में, इस पुलिस आरक्षी होने के पहले कदम में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप बेहतर करें, बढ़ोतरी करें, और मैं आप सभी के आए हुए परिवारों को भी इसके लिए शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह सचिव महोदय श्री राजीव अरुण एक्का सर। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस ऐतिहासिक और यादगार मौके पर हमारे बीच उपस्थित हैं हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने हमेशा अपने उच्च विचारों से हमें प्रभावित किया है, हमेशा हमारा हौसला बुलंद किया है, यही कहते हुए कि कोशिश जब तेरी हद से गुजर जाएगी, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास चली आएगी। जोरदार तालियां चाहूंगी और इन्हीं तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। महोदय, आज यहाँ मुसाबनी के सीटीसी परिसर में पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित मंच पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन जी, राज्य सरकार के गृह सचिव राजीव अरुण एक्का जी, राज्य के डीजीपी साहब नीरज सिन्हा जी, आज यहाँ उपस्थित महानिदेशक प्रशिक्षण अनुराग गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित महानिरीक्षक प्रिया दुबे जी, संजय रंजन सिंह जी, प्रभात कुमार वरीय पुलिस अधीक्षक, अन्य समादेष्ट पुलिस अधीक्षक एवं पदाधिकारीगण, और आज इस पासिंग आउट परेड को देखने वाले सभी जवानों के परिवारों से आए हुए आप सभी परिजनों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, और मैं अपनी ओर से आप सबको जोहार करता हूँ। आज यहाँ कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर से जो ये नवनिर्मित ट्रेनिंग सेंटर है, और आज इस ट्रेनिंग सेंटर से लगभग जो 120 एकड़ में फैली है, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, एक अलग दुनिया, अलग शहर की तरह लगने वाला ये ट्रेनिंग सेंटर से पहली बार 8 कंपनी जवान IRB के ट्रेनिंग प्राप्त कर अपने कर्तव्यों को निर्वाहन करते हुए राज और देश के सेवा में जाने को तैयार है। आज लगभग 164 कांस्टेबल यहां ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, लगभग एक साल की ये ट्रेनिंग विगत कई कारणों से बहुत लंबा खींचता चला आया,
लेकिन अंतोगत हुआ। ये ट्रेनिंग आप सबकी कंप्लीट हुई है और जैसे कि अभी डीजीपी साहब ने कहा काफी अच्छी शिक्षा तालीम करने के साथ साथ कई डिग्रियां भी आप लोगों ने प्राप्त की हैं और उसके अनुसार आप लोगों ने कई ट्रेनिंग्स भी ली हैं। ये बात सही है। आज कई तरीके के क्राइम राज्य में देश में हो रहे हैं, नए नए तकनीक, नए नए संसाधनों का उपयोग अपराधी द्वारा किया जा रहा है। आज उन अपराधियों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के द्वारा अपने जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइम की बात हो, चाहे वो जघन्य अपराध की बात हो, सामाजिक अपराध हो, कई तरीके के। और ये जरूरी है कि हमारे जवानों को हर अपराध को काबू करने के लिए और हर अपराध को जड़ से खत्म करने का भी उसे ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए। आज यहां इतना बड़ा कैंपस, मुझे लगता है कई ट्रेनिंग सेंटर में मुझे जाने का मौका मिला, इतना खूबसूरत ट्रेनिंग सेंटर नवनिर्मित एकदम नए मॉडर्न तरीके से यह तैयार हुआ ट्रेनिंग सेंटर, आने वाला समय और बेहतर जवानों को ट्रेनिंग देकर नए नए तकनीकों के साथ लैस कर अपने बटालियनों में तैनात करेगा। यहां मैं डीजीपी साहब, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इस कैंपस को जीवंत रखने का आप लोग कार्य योजना बनाएं, ट्रेनिंग के साथ साथ और क्या बेहतर इस कैंपस में किया जा सकता है उसको आप करने का काम करें। और एक उदाहरण के तौर पर इस कैंपस को आप लोग डेवलप करें, सिर्फ राज्य ही नहीं देश में इस कैंपस का नाम रोशन हो, इस तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़ें। आप यहां जितने भी कांस्टेबल आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, आप विशेष अभियान को अंजाम देने के लिए आपको ट्रेंड किया गया है, लेकिन आप विशेष परिस्थिति में भी अन्य कार्यों पे भी तैनात में जाते हैं, आपका उपयोग होता है और आप उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर में भी आपकी भूमिका समय समय पर ली जाती है, चुनावों में भी आपका उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकार भी करती हैं। और इसी विश्वास के साथ कि आईआरबी के ट्रेंड जवान अपने कामों को काफी दक्षता के साथ, काफी मजबूती के साथ करते हैं, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है यहां ट्रेनिंग प्राप्त सभी कांस्टेबल और आपके लिए काफी सौभाग्य की बात है कि नवनिर्मित
इस कैंपस के पहले बैच के रूप में आप बाहर निकल रहे हैं और आप के बैच में एक ये अलग से आपको ये सम्मान के रूप में अंकित किया जाएगा कि ये 8 कंपनियां ECTC से पहली बैच है जो ट्रेडिंग करके निकली है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने हुनर का बेहतर उपयोग करते हुए आपको जिसकी जिम्मेवारी मिली है उसको बखूबी से निभाएंगे। इसलिए बहुत नहीं कहते हुए आपके परिजन यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपने परिवार में से एक सदस्य को राज्य और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाहन करने के लिए जान की बाजी तक निछावर करने के लिए इस क्षेत्र में भेजा है। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी कांस्टेबलों को नई राह पर चलने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए और सबकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय आ गया है कि हम इनकी इच्छा शक्ति को और भी मजबूत करें ताकि ये पूरी ताकत और अपनी ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो सकें। समय आ गया है पुरस्कृत करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया सर्वप्रथम सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीण खिलाड़ियों को पुरस्कृत करें। 2 टीमें, महिला और पुरुष की टीमें के जो कैप्टन हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूं मंच पर। कैप्टन शिवचरण टुड्डू और महिला कैप्टन सुषमा ग्वाला, आप दोनों आ जाएं मंच पर। इस वक्त सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीण खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पुरुष टीम के कैप्टन शिवचरण टुड्डू और महिला टीम की कैप्टन सुषमा ग्वाला जी। तालियां हो आपकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, कैप्टन शिवचरण टुड्डू और कैप्टन सुषमा ग्वाला। और इसके बाद 2 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। 2 कैडेट, बेस्ट कैडेट मेल, तालियां हो आपकी तरफ से, आरक्षी 20 चंदन पांडे और बेस्ट कैडेट फीमेल, महिला आरक्षी 293 अंजलि टोप्पो को पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बेस्ट कैडेट मेल और बेस्ट कैडेट फीमेल को पुरस्कृत किया जा रहा है, तालियां जोरदार हो। बेस्ट कैडेट के रूप में आरक्षी 20 चंदन पांडे और बेस्ट कैडेट फीमेल के रूप में महिला आरक्षी 293 अंजलि टोप्पो को पुरस्कृत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पुरस्कार कर सबकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जल्दी जल्दी कराओ। और आज के इस यादगार अवसर की तमाम स्मृतियां जहन में रहे, अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं IG ट्रेनिंग श्रीमती प्रिया दुबे मैम से निवेदन करती हूं। सर्वप्रथम माननीय बेस्ट कैडेट का सम्मान और इसके बाद स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। बेस्ट कैडेट का पुरस्कार आरक्षी 20 चंदन पांडे, बेस्ट मेल कैंडिडेट
और बेस्ट कैडेट फीमेल महिला आरक्षी 293 अंजलि टोप्पो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा बेस्ट कैडेट सामने आए, बेस्ट कैडेट को पुरस्कार दिया जा रहा है। बेस्ट कैडेट मेल आरक्षी 20 चंदन पांडे और बेस्ट कैडेट फीमेल महिला आरक्षी 293 अंजलि टोप्पो। तालियां हो आपकी तरफ से। और इसके बाद हम आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आईजी ट्रेनिंग श्रीमती प्रिया दुबे मैम से निवेदन करती हूं, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें और तालियां भी स्मृतियों में बनी रहे, जोरदार तालियों की गूंज भी आपकी तरफ से होनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा की छाया के साथ स्मृति चिन्ह। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, तालियां हो आप सबकी तरफ से। मैम से ही निवेदन, आदरणीय गृह सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैम तालियां भी हो। और मैम से ही मैं निवेदन करती हूं, आदरणीय डीजीपी सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डीजीपी सर का ये सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर, तालियां भी आपकी तरफ से होती रहे। और अब महिला आरक्षी 491 रागिनी कुमारी IRB2 जिन्होंने खुद अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी की पेंटिंग बनाई है, वो खुद अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट करेंगी। प्रशिक्षु द्वारा अपने हाथ से बनाई गई ये पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्ट्रेट बनाई गई है। महिला आरक्षी 491 रागिनी कुमारी IRB2 माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति ये खुद अपने हाथों से इन्होंने पेंटिंग बनाई है और सप्रेम भेंट करेंगी आज के इस यादगार मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को। महिला आरक्षी 491 रागिनी कुमारी IRB2। ये पेंटिंग प्रदान किया जा रहा है, तालियां हो जोरदार। महिला आरक्षी 491 रागिनी कुमारी IRB2 ने अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी की पेंटिंग बनाई है और अब सप्रेम भेंट कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अब भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री संजीव रंजन सिंह सर को, पुलिस अधीक्षक CTC। मैं CTC परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ क्षण हमारे लिए निकाला और हमें गौरवान्वित किया। मैं श्री राजीव अरुण एक्का साहब के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। माननीय गृह सचिव महोदय ने
आज समय निकाला, इस परिसर में है, हमारा यह सौभाग्य है। मैं माननीय श्री नीरज सिन्हा पुलिस महानिरीक्षक सह महानिदेशक सह महानिरीक्षक के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। उन्होंने बहुत लंबा समय यहाँ हमारे लिए दिया। मैं माननीय श्री अनुराग गुप्ता जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं माननीय श्रीमती प्रिया दुबे जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। हमारे बीच माननीय स्थानीय विधायक रामदास सोरन साहब भी सुबह से पधारे हैं, सीटीसी परिवार की ओर से उनके प्रति भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आईजी ऑप्स और डीसी मैम जो छुट्टी में थी, लेकिन जैसे ही वो छुट्टी से वापस आई वो सीधा यहाँ पहुँची, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं उन प्रशिक्षुओं के परिजनों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने बहुत सब्र से इसकी प्रतीक्षा की और इस भव्य परेड के साक्षी बने। मैं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब, एसडीओ साहब, स्थानीय सीओ साहब, थाना प्रभारी, एसडीपीओ सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं उनके लिए आज दिन बड़ा लंबा हुआ है। मैं उन सबके प्रति भी सीटीसी परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबके प्रति जो इस पूरे आयोजन के पीछे ढाल की तरह खड़े थे, जिन्होंने सारी तैयारी की और जिनकी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ये आयोजन इतना भव्य हुआ, उन सभी पुलिसकर्मियों के प्रति और उन सभी सेवादारों के प्रति जिन्होंने अथक परिश्रम किया, आउटसोर्सिंग से आए हुए हमारे जितने भी लगभग पौने 200 कर्मी थे, उनके अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम सफल हुआ, मैं उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब प्रथम समादेशक माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निष्क्रमण की अनुमति मांगेंगे। परेड निष्क्रमण की अनुमति प्राप्ति हेतु फर्स्ट इन कमांड। परेड निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त की गई प्रथम समादेशक के द्वारा।
और ये परेड निष्क्रमण के लिए ये 8 कंपनीज। ये कहते हुए कि ये एक नई शुरुआत है, आगे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, हमें अभी आराम नहीं करना है। मजबूत इरादों के साथ, बुलंद हौसले के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलते चले जाना है। सलामी देते हुए, अभिवादन करते हुए, तालियां हो। बहुत ही सुंदर ये परेड निष्क्रमण की प्रक्रिया यहां पूरी की जा रही है। सात सौ चौसठ प्रशिक्षु आरक्षी सीटीसी स्वासपुर मुसाबनी। मानसिक, शारीरिक, वैचारिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से तैयार हमारे ये प्रशिक्षु आरक्षी। आपके समक्ष संपूर्ण समर्पण, दृढ़ भाव, गर्व, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से लबरेज होकर परेड धीरे धीरे ग्राउंड से बाहर जाती हुई। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। और एक बार तालियां हमारे बैंड के लिए, जैप्टन महिला बटालियन बैंड, जिसके मधुर धुन पर यह परेड संपन्न हुआ। इरादों में भर देंगे इतनी जान कि हर कोशिश कामयाबी हो जाए, हौसले हो जाए इतने बुलंद कि जिंदगी से लफ्ज़े शिकस्त दूर हो जाए। जिंदगी कहां मिलती है दोबारा, यहां जियो जिंदगी इस शान से कि बड़े से बड़ा तूफान भी